दोस्तों जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एक युवक ने एक लड़की की कार से कुचलकर हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन इस केस में अब लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। तो बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों जयपुर का एक रूह कपा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स ने एक लड़की को बड़ी बेरहमी से गाड़ी से कुचल दिया, इसके बाद लड़की की मौत हो गई। यह जाने अनजाने में कोई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक हत्या थी। गाड़ी से कुचलने वाले हत्यारे मंगेश अरोड़ा ने अब कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मंगेश अरोड़ा हरियाणा का रहने वाला है। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ही जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करवाई थी और मंगेश अरोड़ा ऋतिक बॉक्सर से जुड़ा हुआ है। जी क्लब फायरिंग मामले में भी पुलिस ने मंगेश अरोड़ा से पूछताछ की थी। फिलहाल लड़की को कार से कुचलने के केस में मंगेश अरोड़ा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार हत्या कर फरार होने वाला आरोपी मंगेश अरोड़ा कपड़े की दुकान पर काम करता है। यह दुकान जयपुर के मानसरोवर में स्थित है। मंगेश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ ये था कि क्रिसमस डे की रात को उमा सुथार अपने दोस्त राजकुमार के साथ एवरलैंड विश होटल में गई थी। यहाँ पर उनकी कमेंटबाजी को लेकर मंगेश और उसके महिला मित्र से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उमा सुथार कैब में बैठने जा रही थी, तब मंगेश ने बेसबॉल के डंडे से कैब का शीशा फोड़ दिया। इसके बाद उसने उमा और राजकुमार पर गाड़ी चढ़ा दी। इस पूरे हादसे में उमा नाम की लड़की की मौत हो गई है और इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें सीधा सीधा देखा जा सकता है कि इस पूरी घटना को जानकर अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस भी इसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब इस आरोपी ने खुद ही आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब इस मामले में मंगेश अरोड़ा से लगातार पूछताछ जारी है। अगर इस मामले में और कुछ खबर निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।